कितने किंग्स बादशाह आए गए। सलाहुद्दीन अयूबी के दौर में ही उस टाइम तीन खलीफा थे, तीन खलीफा थे। मुझे और आपको किस किस के नाम याद है मुझे बताएं। सलाहुद्दीन अयूबी को तो नाम हमें याद है, मगर तीन खलीफा उस टाइम मौजूद थे, उनसे पहले कितने खुलाफा थे, हमें किन किन के नाम आते हैं? क्यों? क्योंकि वो जब अपने पैलेसेस में होते थे, सलाहुद्दीन अयूबी अपने टेंट में सोते थे। वो जब अपने कोजी और कंफर्टेबल बेड्स पे सोते थे, सलाहुद्दीन अयूबी मैट्रेसेस पे और जमीन पे सोया करते थे। वो जब फाइव स्टार मील्स और बुफेज एंजॉय कर रहे थे, तो सलाहुद्दीन अयूबी तीन तीन दिन तक भूखे रहते थे और मुसलमानों के लिए लड़े होते थे। वो जब अपनी बीवी और बच्चों और फैमिलीज के साथ होते थे, तो सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अपनी बीवी और बच्चों को दूर छोड़ के और मुसलमानों के साथ उनकी प्रोटेक्शन के लिए, उनकी बका के लिए, औरतों की इज्जत के लिए क्रूसेडर्स से लड़ रहे होते थे। इब्ने शद्दाद रहमतुल्लाह कहते हैं कि एक दफा सलाहुद्दीन अयूबी टेंट में बैठे थे, एंड द बैटल वॉज अबाउट टू बिगिन, और उन पर एक लेटर पहुंचा और न्यूज पहुंची कि योर ब्रदर एंड योर नेफ्यू हैज पास्ड अवे, आपका भाई और आपका नेफ्यू अल्लाह को प्यारे हो गए। तो सलाहुद्दीन अयूबी ने हम सब को कहा कि आप लोग बाहर चले जाएं, और जब हम सब बाहर चले गए तो ही क्राइड लाइक अ बेबी। लेकिन कुछ देर बाद जब बैटल फील्ड शुरू होने लगी, तो वो तैयार होकर बाहर आए, एंड ही फॉट इन द बैटल एज ही यूज्ड टू फाइट इन द बैटल। अल्लाह, अपने इमोशन को सप्रेस कर लिया और कहा, ये तो दुनिया तो आने जाने वाली है, मा इंदकुम यनफद वमा इंदल्लाह बाक, जो तुम्हारे पास है वो ख़त्म होने वाला है, जो अल्लाह के पास है वो हमेशा रहने वाला है। बल तो सिरून हयात दुनिया वल आखिरत खैरु अबका, तुम दुनिया की ज़िंदगी को चाहते हो मगर आखिरत हम खैर वाली है और हमेशा हमेशा रहने वाली है। He went and fought in the battle. Yes, he used to miss his wife. Yes, he used to miss his kids. Yes, he used to miss his brother. और वो family life कठे बैठ के खाना पीना और वो सब miss करते थे. लेकिन that grief in his heart कि उम्मत को lead करने वाला कोई नहीं है, that was far more greater than his love for his wife and family members.